जय हिंद। आज है 28 सितंबर 2023। 28 सितंबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जितने भी अदर न्यूज़ हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे रावत और आप देख रहे हैं एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज है 28 सितंबर 2023। 28 सितंबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सारे इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। अब चलते हैं आप आज के अपनी करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे स्पेस एजेंसी, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे स्पेस एजेंसी ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह वेनु का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। तो गाइस फिर से एक बार बात कर रहे हैं, बात करते हैं, किसे स्पेस एजेंसी ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह वेनु का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। तो गाइस आज के जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे, हिंदी टू इंग्लिश रहेंगे गाइस। तो आंसर हो जाएगा हमारा, नासा ने उतारा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने उतारा है? तो गाइस नासा ने उतारा है, आंसर याद रहे नासा ने उतारा है। अगर हम इसको डीपली गहराई में चर्चा करते हैं, तो नासा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दरअसल अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी का एक कैप्सूल क्षुद्रग्रह वेनु का नमूना लेकर, हमारी बात कर लेते हैं, हमारी हमारी धरती पर उतरा है। सैंपल से वैज्ञानिकों को सौर मंडल की उत्पत्ति को बारे में अधिक जानकारी हासिल करने में सहायता मिलेगी। बता दें नासा को इस सफलता के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ा है गाइस। नासा का एक कैप्सूल क्षुद्रग्रह वेनु का नमूना लेकर हमारी पृथ्वी पर उतरा है। इसे भारतीय समय अनुसार 24 सितंबर को रात 8:22 पैराशूट के जरिए यूटो रेगिस्तान में उतारा गया था गाइस। तो कहाँ उतारा गया था? यूटो रेगिस्तान में उतारा गया था, 24 सितंबर को उतारा गया था 8:22 पे गाइस। तो आज के थे तो याद रहे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं गाइस, कि किसे स्पेस एजेंसी से ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह वेनु का नमूना किया गया, तो नासा का किया गया है गाइस। याद रहे किसका किया गया है? नासा का किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज के जितने भी क्वेश्चन है गाइस, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य चंपावत और पिथौरागढ़ जिले स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है गाइस। एक बार फिर से, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना को शामिल करने के लिए शामिल किया गया है गाइस। तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को शामिल किया, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसको शामिल किया गया? उत्तराखंड को शामिल किया गया है, उत्तराखंड हो जाएगा हमारा गाइस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो किस शामिल किया गया? उत्तराखंड को शामिल किया गया है। अगर बात करते हैं तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के दो सीमांत जिलों को चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्घाटन पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश इन क्षेत्रों को पर्यटन के दृष्टि से विकसित करना, आगंतुकों को बुनियादी सुविधा प्रदान करना है। स्वदेश दर्शन योजना है, इससे में रूप में गूंजी पिथौरागढ़ जिले का एक स्थान 75 करोड़ रुपये में आवंटित बजट के साथ पर्यटन के क्षेत्र विकसित कर कार्य करने के लिए तैयार है गाइस। तो बात कर लेते हैं आज के अदर न्यूज़ के बारे में। तो आज की जितनी भी, तो किस राज्य के पहले डिजिटल रेडियो, हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा अदर न्यूज़ है, किस राज्य के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो सामग्री का शुभारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा गर्मी के तनाव को कम करने के लिए कूल रूप पॉलिसी शुरू की गई है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने, किस राज्य के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? तो प्रदेश में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में बनाया गया है गाइस, याद रहे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस पूर्व अधिकारी के सेवा विस्तार देख कर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाहकार बनाया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बनाया गया। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस पूर्व अधिकारी को सेवा विस्तार देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बनाया गया? तो अमित खरे को बनाया गया। किसे गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मास्टर, अमित खरे को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अमित खरे को बनाया गया है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अमित खरे को सेवा विस्तार देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है। अमित खरे को दिया जाने वाला दूसरा सेवा विस्तार है। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट के नियुक्तियों के से संबंधित समिति ने अमित खरे को 12 अक्टूबर 2023 को आगे विस्तार देने के लिए स्वीकृत दे दी है। गाइस याद रहे, हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक के में MD/CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ओवरसीज के बैंक में नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो उत्तर प्रदेश की बनी है। गाइस याद रहे, किस साइकिलिंग महासंघ अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो पंकज सिंह को चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ एशियन रिक्रूटमेंट कंपनीज के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया था? हरिहर मिश्रा को नियुक्त किया गया। गाइस तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज के जितने भी क्वेश्चन गए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटीज कनेक्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? गाइस तो किस शहर में यूज किया गया? इंदौर में किया गया। कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। अगर हम कहा बात करते हैं केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय 2 दिवसीय 26-27 सितंबर 2023 को ब्रिलियंट कनेक्शन सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज कनेक्ट 2023 का आयोजन कर रहा है। यह कनेक्ट में उन सभी 100 स्मार्ट देशों को भागीदारी देगी दी जाएगी जो शहर 9-4 में सबसे आगे रहेगा। शहर के विकसित को प्रक्रिया में एक प्रतिमान परिवर्तन को नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 सितंबर 2023 को इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISSC 2022 के चौथे संस्करण में विजेताओं को सम्मानित भी किया है। गाइस तो याद रहे, द्रौपदी मुर्मू ने किया। किस राज्य में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति को 15वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 17वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भोपाल में किया है। पर्यटन मंत्रालय ने कहा सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरा क्षेत्रीय कार्य का आयोजन किया था, हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य में 23वां अंतर्राष्ट्रीय मंडल कानून सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो गोवा में किया गया है। गाइस याद रहे, अगले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज के जितने भी क्वेश्चन है गाइस सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया? तो एंसर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो झारखंड में मनाया गया कर्मा पूजा त्यौहार। गाइस याद रहे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हरदम आते हैं। तो कर्मा पूजा त्यौहार कहाँ मनाया गया? झारखंड में मनाया गया है। तो झारखंड में प्राकृतिक पर्व कर्मा पूजा मनाया जा रहा है। झारखंड के छोटा नागपुर में इलाके में इस वर्ष को आदिवासी समुदाय ने अलावा अन्य लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए इस पर्व के में करम पेड़ की डाली की पूजा की जाती है। इस त्यौहार के जरिए प्राकृतिक संरक्षण के साथ साथ धर्म और अधर्म के बीच की दूरियों को समाज को समझाने का प्रयास किया जाता है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्व को पर्यावरण सुरक्षा के साथ जोड़ा है, इसलिए